इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम अगले साल होगा, यानी कि सितंबर में जिसके फॉर्म आने वाले हैं, उसके लिए बच्चों को जो फॉर्म भरने के जो ऑप्शन होते हैं वो दो होते हैं, रेगुलर और प्राइवेट। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर भी कर सकते हैं, और प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो कंपार्टमेंट हो, एसेंशियल रिपीट हो, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट हो, तीनों को आप रेगुलर भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। दोनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आप खुद सोच सकते हैं, वीडियो को अच्छे से सुने और ध्यान रहे कि आप लास्ट में ये चीज़ को समझें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। रेगुलर अगर आप देते हैं तो रेगुलर देने के लिए पहली बात, आप खुद से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते कि आप रेगुलर दे दें, आपको स्कूल में बात करनी पड़ती है और स्कूल वाले ही आपको अलाउ करेंगे कि आप देंगे या नहीं देंगे। अगर स्कूल वाले मना कर देते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। स्कूल वाले कहते हैं कि आप नहीं दे सकते हैं तो वो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अपियर नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि स्कूल अलाउ करेगा तो आप अपियर हो सकते हैं। ये हो गई पहली बात कि स्कूल से हमको परमिशन लेनी पड़ती है तभी हम रेगुलर दे सकते हैं। रेगुलर अगर आप देते हैं तो फीस भरनी पड़ेगी, यानी कि पूरे साल की जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप रेगुलर देते हैं। लेकिन प्राइवेट में आपको फीस नहीं पे करनी पड़ती है, आपका एक साल की जो फीस है वो बच जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप रेगुलर देते हैं तो आपका टाइम जाएगा, आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको ना स्कूल जाना है ना ही आपको प्रैक्टिकल कोई टेंशन है, क्योंकि आपकी जो इस बार की जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे वही आपको अगले साल मिल जाएंगे। और ज़्यादातर बच्चे, 90% बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट ही करते हैं, रेगुलर बहुत कम करते हैं। लेकिन रेगुलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा होता है? प्राइवेट होता है, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइवेट से दे रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होता कि मार्केट की वैल्यू डाउन हो जाएगी या हमको कॉलेज में दिक्कत आएगी, हमको एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप रेगुलर और प्राइवेट दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। कुछ फ़र्क क्या आता है? वो फ़र्क आता है मार्कशीट में। मार्कशीट जो होगी, जो रेगुलर वाला बच्चा होता है उसकी मार्कशीट में स्कूल का नाम लिखा आता है, लेकिन जो प्राइवेट देता है उसकी मार्कशीट में प्राइवेट कैंडिडेट लिखा आता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि आपने रेगुलर नहीं दिया तो आपके स्कूल का नाम नहीं आएगा, ठीक है। और आपका जो प्राइवेट वाली मार्कशीट होती है वो आपके बाई पोस्ट आती है, आपके घर पे आती है। आप एड्रेस देंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप एक एड्रेस भरेंगे, उस एड्रेस पे ही आपकी मार्कशीट आपको डिलीवर हो जाती है। तो आपको स्कूल से कोई भी कांटेक्ट नहीं करना होता है, स्कूल से ना कोई मार्कशीट मिलेगी ना कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें बाई पोस्ट आपके घर पर आएंगी। जो TC या CC होता है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो सब चीज़ें आपकी पहले वाली ही चलती हैं, तो वो आपको स्कूल से ले लेनी है। इसी साल स्कूल से वो ले लो, क्योंकि वही चलेंगी, कुछ नया नहीं मिलता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे पहले ही वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वाली आप सेक्शन में जाइए और वहाँ पर वीडियो देखिए। काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन बच्चों के भी लगातार कमेंट्स आते हैं, तो फिर से उस वीडियो को दोबारा से चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। आपके कोई और डाउट तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। कॉल करना चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है कॉली फॉर ऐप। ऐप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत आसान है डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना के ID सर्च कीजिए, विवग्योर क्लासेस @CM4 ID दे रखी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉल करके अपने डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको समझ आया? थैंक यू सो मच।